आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। सोहन की एक मिठाई की दुकान है। वो बर्फी बनाते हुए सोचता है कि प्रत्येक बर्फी के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हों। वो सभी बर्फियों पर वर्क लगाना चाहता है जिसकी कीमत 1500 रुपए वर्ग मीटर है। यदि एक डिब्बे में 50 बर्फी हैं, तो क्या आप सोहन को बता सकते हैं कि वर्क लेने की कुल कीमत कितनी होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर बर्फी के ऊपरी हिस्से पर वर्क लगाया जाएगा, अतः इस स्थिति में सभी बर्फियों के ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बर्फी एक सम चतुर्भुज है और हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का 1/2 होता है। प्रत्येक बर्फी के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हैं। तो आइए एक बर्फी का क्षेत्रफल प्राप्त करें जो कि 1/2 गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 50 बर्फियों का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? शाबाश, सभी बर्फियों के क्षेत्रफल के लिए बर्फियों की कुल संख्या गुणा प्रत्येक बर्फी का क्षेत्रफल करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 50 बर्फियां हैं और प्रत्येक बर्फी का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है, अतः सभी बर्फियों का क्षेत्रफल 50 × 5 वर्ग सेंटीमीटर यानी 250 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्क लगाने की कीमत 1500 रुपए वर्ग मीटर है। तो आइए बर्फियों के कुल क्षेत्रफल यानी 250 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में परिवर्तित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। इसलिए 10,000 वर्ग सेंटीमीटर वर्क की कीमत 1500 रुपए है, जिससे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का मूल्य 1500/10,000 होगा जो कि 15 पैसे हैं। अब क्या आप यह जानकारी प्रयोग करते हुए बता सकते हैं कि 250 वर्ग सेंटीमीटर वर्क की कीमत कैसे प्राप्त करेंगे? ढाई सौ वर्ग सेंटीमीटर वर्क की कीमत 15 पैसे गुना 250 होगी जो कि 37.50 रुपए है। अतः बर्फियों के लिए वर्क खरीदने की कीमत 37.50 रुपए है। आज इस वीडियो में हमने सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण समझा।